आइए एक बार फिर से आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता ने, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। गुगा मेड़ी की हत्या हुई है, बाल मुकुंद आचार्य यहाँ पहुंचे हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हुई है, वो भी हिंदू समाज के कैसे नेता की जो हर जगह खड़े रहते थे, क्या कहें? सर्व समाज के सेवा में उपस्थित थे, गो सेवक थे, सनातनी थे, सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे राजस्थान की परंपराओं को बचाने के लिए संघर्ष करते थे और कहीं ना कहीं बहुत समय से पाकिस्तान से लेकर और बहुत समय से उनको धमकियां आ रही थी, बहुत गैंगों की धमकियां उनको थी, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा दी नहीं गई गहलोत ने, और उसकी वजह से आज हम ऐसे व्यक्ति को खो चुके हैं जिनका हमें दुखद संपूर्ण जीवन और कई पीढ़ियों में रहेगा। तो इस गहलोत सरकार स्वयं गृह मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, 5 साल जो उन्होंने किया उसका अभी तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं। 10 महीने पहले बाकायदा लिखित जानकारी दी गई थी कि AK-47 अरेंज की जा रही है, कुछ ज्ञापन सौंपे गए जिनमें आप भी साथ मौजूद थे, फिर भी नहीं दी गई, क्या कहें? हम लोगों को राजनीति के चलते गहलोत सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और मैं तो मानता हूं कि हो सकता है गहलोत सरकार का और वो जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनका आपस में कोई बात हुई हो, तो सुरक्षा मत दो इनको, तभी तो नहीं दी। ये तो अधिकारी देने को तैयार थे, पूरी योजना बन गई थी, अधिकारी बिल्कुल तैयार थे, अधिकारी को पता था कि हाँ देना चाहिए, लेकिन सरकार के चलते नहीं दे पाए, सरकार नहीं चाहती सुरक्षा मिले, तो वो शहीद हो गए और इसकी जिम्मेदारी स्वयं गहलोत जी की है। सुखदेव सिंह हत्याकांड का सीधा ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फोड़ा जा रहा है। सांसद दिया कुमारी, जो विद्याधर नगर से प्रचंड बहुमत के साथ जीती हैं, विधायक हैं, उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता ने। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो इसकी बड़ी वजह अशोक गहलोत हैं। हमारे साथ दिया कुमारी जी मौजूद हैं। मैम, जो घटना जिस तरह से कल सुखदेव जी की हत्या वहां पर हुई, पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं कि रोष व्याप्त है बहुत ज़्यादा, क्या इसको लेकर आप कहेंगी कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए? पूरे राजस्थान में पूरी एक ऐसी लहर है कि बिल्कुल लोग इतना ज़्यादा स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं, दुखी हैं, गुस्सा भी है लोगों में कि ऐसा कैसे हो गया, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी समाज की उन्होंने सेवा की, बहुत एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और इतना कुछ किया, और फिर उनके घर के अंदर घुसकर हत्या की जाती है, और जबकि उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी थी, कांग्रेस की सरकार थी हमारे राजस्थान में, उसके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती तो शायद ये नहीं होता, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। लॉ एंड ऑर्डर तो मैं बोल ही रही हूँ, सभी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं राजस्थान में। एक लेटर भी आया है पंजाब पुलिस का सामने कि पंजाब पुलिस ने भी कहा था कि इस तरह से कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, और राजस्थान पुलिस को लिखा था, और ये मार्च का लेटर सामने आया है, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही? जी बिल्कुल लापरवाही रही है पूरी, और ये लापरवाही देखिए, कांग्रेस की सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी भी सिटीज़न को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे महिला हो चाहे हमारी, ये इनके साथ जो हुआ ये सब चीज़ें टल सकती थी, अवॉइड की जा सकती थी अगर आप समय पर कार्रवाई करते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, लेकिन आपने नहीं किया। ये इनका हमेशा 5 साल से यही एक वो रहा है कि कुछ भी राजस्थान में इन्होंने किया ही नहीं सिवाय अपनी कुर्सी पर। अभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान बंद की बात कही जा रही है कई शहरों में, हालांकि पुलिस ये अपील कर रही है कि एहतियात बरता जाए और इस तरह की जो कदम है वो ना उठाया जाए, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह की अपील आपकी तरफ से हो? ये बिल्कुल मैं सभी को कहूँगी कि आप शांति बनाए रखें, और प्रशासन अपना काम कर रहा है, और फिर सब लोग उन पर भी दबाव बना रहे हैं, हम लोग भी लगातार, मैंने भी कल DGP से बात की, कमिश्नर से बात की, सभी हमारे जितने भी नेता हैं वो भी बात कर रहे हैं कि आप ये बिल्कुल, हमको इमीडिएटली अरेस्ट इन लोगों का होना चाहिए, कुछ अरेस्ट हुए भी हैं अभी, और फिर इसके बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको जल्द से जल्द इसका फैसला भी होना चाहिए, और उसके बाद कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए। इस तरह से बीजेपी का, क्योंकि शासन जहाँ भी हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि इस तरह से अगर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो योगी सरकार कदम उठाती है और बुलडोजर तक चला देती है, उस तरह का मॉडल अपनाने की जरूरत है राजस्थान में भी? देखिए राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा टाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुका था, कहीं पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी,
तो वो चीज़ को सही करने की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता रहेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे आम सिटीजन की बात हो, बिल्कुल रहेगी। और जिसमें मुझे लगता है जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उस समय वो उठाएंगे भी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। ये जो घटनाएँ हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार में ऐसी कोई भी घटना हो।